हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि सर हमारे एग्जाम्स आ चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी वीडियोज हमें ज़रूर चाहिए। सो गाइस, आपकी ऑन डिमांड्स पे भारत और जो चाइना के रिलेशन है, इंडिया और चीन के जो रिलेशन है, इसके बारे में आपकी बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे। सो गाइस, आपकी ऑन डिमांड पे ये वीडियो हाजिर है। नाउ मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में लगातार पूछ रहा है और आपको इसको जरूर प्रिपेयर करना है। और ये कई तरीके से पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाता है कि भाई भारत और चाइना के या भारत और चीन के रिलेशन बताइए किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के नहीं। दूसरी चीज आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत और चीन के ठंडे रिश्तों में गर्मी आने की प्रक्रिया का ब्यौरा दीजिए। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का, मतलब यही है कि पहले भारत और चीन के जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे थे, पहले भारत और चीन के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब गत वर्षों में, अब अगर हम देखते हैं कि पिछले कुछ 20-30 सालों में भारत और चाइना के जो रिलेशन है पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, तो इसके बारे में आपसे बात पूछी जा रही है। सो एज ऑलवेज, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो उसमें सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे भारत और चीन के जो संबंध है उसका इंट्रो कैसे लिखना है। तो आप ऐसे लिखेंगे, भारत और चीन विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के रूप में देखी जाती है, या भारत और चीन को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में माना जाता है। जैसे भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता थी, चीन में पीली नदी की सभ्यता थी, इसके अलावा सुमेरवासी की अलग सभ्यता है जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं, और इसके अलावा इजिप्ट की सभ्यता जिसे मिस्र की भी सभ्यता कहा जाता है। अगर हम देखें भारत और चाइना को, तो ये दोनों देश ऐसे हैं जो लंबे समय तक सतत विकास के लिए जाने जाते हैं, ना केवल प्राचीन काल में बल्कि आधुनिक काल में भी। और भारत और चीन दोनों देशों के बीच में काफ़ी प्राचीन काल से ही हम दोनों के बीच में सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक और राजनीतिक संबंध अगर हम बात करते हैं तो ये संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें भारत और चाइना के रिलेशन में, तो प्राचीन काल में ही बहुत सारे तीर्थ यात्री थे जो भारत के भी थे और चीन के भी थे, उन्होंने एक दूसरे के देशों में यात्राएं करी और उन यात्राओं के दौरान जो कुछ भी देखा वह अपनी बुक्स में लिखा। आज उस बुक्स को हम पढ़ते हैं तो भारत और चाइना के रिलेशंस के बारे में हमें पता चलता है। इन यात्राओं का बेसिकली क्या रीज़न था, एक तो बौद्धिक कारण और दूसरा सांस्कृतिक कारण। आप सबको पता है चाइना में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं भारत से हुई थी, और भारत में बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ की यात्रा करने बहुत सारे चीनी विद्वान प्राचीन काल में ही आते रहे। दोनों सभ्यताओं के बीच में अगर हम बात करते हैं तो रिश्ते बहुत अच्छे रहे प्राचीन काल से ही। अगर हम बात कर लें भारत में किन किन चीन के यात्रियों ने यात्रा करी है, तो उसमें फाहियान, जिसे फाशियान भी बोलते हो आप, आपका सुंगयुन और आपका वेनसांग आईसुंग, ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्राचीन काल में भारत की यात्रा कही। इसके अलावा भारत से भी बहुत सारे यात्री ऐसे रहे जो चीन में यात्रा करे, जिनमें कुमारजीव, जिनगुप्त, जिनभद्र और बोधिधर्मन, ये कुछ ऐसे यात्री रहे जिन्होंने भारत की ओर से चाइना गए थे प्राचीन काल में, और उन्होंने जो कुछ वहाँ देखा अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा। अगर हम आधुनिक विश्व की बात करते हैं तो भारत आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, और चाइना 1949 को। अगर हम देखें तो लगभग लगभग कुछ एक वर्ष का ही फर्क है दोनों की आज़ादी में। अगर लेकिन हम देखें पिछले 70 वर्षों में, लेकिन दोनों के संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है। दोनों के जो संबंध हैं वो बहुत ख़राब हो रखे हैं। अगर हम बात करते हैं 1980 के टाइम पीरियड पे, तो दोनों के संबंध फिर थोड़े से नॉर्मल होने स्टार्ट होते हैं, लेकिन 1980 से पहले की बात करते हैं, 1970 की दशक या 1960 से लेकर 1980 के बीच में, इस टाइम पीरियड तक तो दोनों के संबंध खराब थे, लेकिन 1980 से ही संबंध थोड़े से अच्छे होने। सो गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी, तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है, जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स
अब ये ना सोचे कि SQL के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर इस जगह पर शेयर करें। यहाँ पर हम बात करते हैं भारत और चाइना के रिलेशन की, और ये रिलेशन बेसिकली वो है जो आज़ादी के बाद है। तो भाई भारत और चाइना के बीच में मैत्री यानी दोस्ती कब से शुरू हुई? तो भारत, आप सभी जानते हो, आज़ादी के बाद भारत ने कौन सी नीति अपनाई? गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। और चीन जो है उसी समय एक समाजवादी देश बन चुका था, तो चीन और सोवियत संघ के जो गहरे संबंध स्टार्टिंग में ही स्थापित हो गए थे। परंतु इसका असर भारत और चीन के रिश्ते पे नहीं पड़ा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि भाई चीन के साथ भारत का संबंध बनाए रखना भारत के हित में है, भारत के लिए बहुत अच्छा है। ये किसका मानना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था। इसके बाद में 1949 में साम्यवादी देश के रूप में चाइना का उदय होता है और भारत ने भी उसका स्वागत किया था। विश्व में पहला भारत एक ऐसा देश था गैर कम्युनिस्ट जिसने चाइना को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। भारत ही एक ऐसा देश था। इसके साथ साथ हम बात करते हैं यूएनओ की सदस्यता में भी चाइना का अगर किसी ने जबरदस्त समर्थन किया था, जबरदस्त पैरवी करी थी, तो वो भारत ही था। तो ये सब बातें हमारी स्टार्टिंग से चाइना से अच्छे संबंध बनाने के लिए बात करती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया, तो नेहरू ने चीन से शांति और मित्री बनाए रखने के पक्ष में थे। ये नहीं कि भाई चाइना ने अगर तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो हम उससे रिलेशन तोड़ देंगे, हम उससे अच्छे संबंध नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके बाद में क्या होता है, 1954 में जो चीन के प्रधानमंत्री है जिनका नाम है चाउ एन लाई, वो भारत आए और उनका भारत में शानदार स्वागत किया गया। 1954 में भारत और चीन 1954 में भारत और चीन के तिब्बती क्षेत्र पर, व्यापारिक क्षेत्र पर समझौता हुआ था कि भाई किस हद तक जो चाइना है वो कंट्रोल रखेगा और भारत किस हद तक वहाँ पर ट्रेड कर सकता है, किस हद तक ट्रेड नहीं कर सकता। इस समझौते को ही आगे चल के पंचशील समझौता नाम दिया गया, जिसमें 5 सिद्धांत शामिल किए गए थे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ठीक 6 महीने बाद 1955 में अफ्रीका और एशियाई देशों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई थी। इसे बांडुंग शिखर सम्मेलन या फिर एफ्रो एशियाई शिखर सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन में भी नेहरू और चाउ एन लाई एक बार फिर से मुलाकात होती है इन दोनों की, और शीत युद्ध के काल में गुटनिरपेक्षता को भी समर्थन देने में जो चाइना है उसने काफ़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि चाइना के लिए यूएनओ में भारत बड़ी पैरवी कर रहा था, इसीलिए चाइना ने भी उस समय गुटनिरपेक्षता के देशों के प्रति सद्भावना दिखाई थी। इसके बाद संबंध खराब कब होने स्टार्ट हो जाते हैं, 1950 के दशक में, अंतिम दशक में, यानी 1958 और 59 के लमसम में, इस टाइम पे भारत और चाइना के जो रिलेशन है वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो इस समय क्या होता है कि भाई एक तो चाइना के बीच में और भारत के बीच में दो समस्या थी, एक तो सीमा समस्या थी और दूसरा कश्मीर की समस्या, दोनों के मतभेद रहे और चाइना ने अचानक से सीमा विवाद का मुद्दा उछाल दिया और भारत और चीन के बीच में ये कहा कि कोई भी सीमा को लेकर समझौता नहीं हुआ और एक रेखा है मैकमोहन रेखा, इसको चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि जो चीन ये भी दावा करता है कि कश्मीर का जो ऑक्साई क्षेत्र है वो किसका है, वो चाइना का है। चीन ये भी दावा करता है कि जो ऑक्साई चीन का जो क्षेत्र है, कश्मीर का पार्ट है, वो चाइना का है। और इसके लिए अगर आप देखेंगे, अब ये भी बताता है कि वो जो ये सिकियांग प्रांत है, कौन सा सिकियांग प्रांत है, उसका हिस्सा है कौन सा, ऑक्साई चीन का, कश्मीर का। इसी के चलते क्या हुआ कि भाई कश्मीर पर चाइना ने कब्जा कर लिया और दो बातें सामने आई। पहली बात तो भाई कश्मीर को विवादित माना है हमेशा चाइना ने, और दूसरी बात क्या है कि कश्मीर में आत्मनिर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए कि भाई कश्मीर के लोग जहाँ पर भी मिलना चाहे, चाहे चाइना में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे भारत में, वहाँ के लोगों पे छूट देना चाहिए। पर भारत चाइना की इस नीति के बिल्कुल विरोध में है। अब हम देखेंगे ऑक्साई चीन का जो विवाद वाला इलाका था, इस पर सड़क बनाने और सीमा झड़प होने के बाद में अक्टूबर 62 में चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में हम देखते हैं कि भाई जो नेहरू की जो आदर्शवादी सोच थी वो नाकामयाब रही। नेहरू को जो ये लगता था कि चाइना से हमारा कोई खतरा नहीं है, चाइना से हमें कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। चाइना से हमारे संबंध बिगड़े और हम देखते हैं आगे चल के चाइना से हमारा युद्ध भी होता है और फिर इसका परिणाम ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना केवल नेहरू की बल्कि भारत की प्रतिष्ठा भी खराब हुई। इस युद्ध में हारने के बाद में भारतीय जो सेना है उसका मनोबल गिर गया और अगर हम बात करें तो हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जो छिन गया, 35,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो पूर्वोत्तर पे, और साथ ही साथ जो कश्मीर का जो 3,000 किलोमीटर क्षेत्र है ये हमारा छिन गया।
और लगभग लगभग देखेंगे चाइना अभी भी 95,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा करता है, यानी जो नेफा बोलता है, नेफा अरुणाचल प्रदेश जो है, नेफा को वो अपना प्रांत बताता है। अब हम देखेंगे संबंध में उतार चढ़ाव, यानी कई बार संबंध हमारे अच्छे होते हुए भी दिखेंगे लेकिन फिर से संबंध बिगड़ जाएंगे। 1962 की लड़ाई के बाद में लगभग 14 वर्षों तक चाइना और भारत एक दूसरे से पूरी तरीके से कटे रहे, दोनों के बीच में कोई भी अच्छे संबंध नहीं हुए, लेकिन हम आगे चल के देखते हैं कि दोनों के बीच में फिर से रिश्ते शांतिपूर्ण कायम हो जाते हैं और दोनों की शत्रुता जो है वो लगातार 14 वर्षों तक बनी रही, लेकिन उसके बाद में ठीक होने लगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे 1962 के 6 महीने बाद ही पाकिस्तान ने चाइना से एक सीमा समझौता कर लिया और ये जो कश्मीर मुद्दा, ये त्रिकोण हो गया। पहले मुद्दा था भारत और चाइना के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, अब पाकिस्तान ने चाइना से समझौता कर लिया और कश्मीर का जो विवादित पार्ट था, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा कहते हैं हम, वो चाइना को सौंप दिया और चाइना इस हिसाब से पाकिस्तान की मदद करेगा, पाकिस्तान ने ऐसा सोचा। 1964 में क्या हुआ, चाइना ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया और इसी के साथ ही पाकिस्तान ने चाइना के साथ मैत्री संधि भी कर दी और ये भी कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया परमाणु परीक्षण करके। और पाकिस्तान ने क्या किया, 1965 में भारत पे जंग छेड़ दी, यही सोचा कि चाइना हमारी मदद करेगा। परंतु उस समय क्या हुआ कि जो सोवियत संघ है और अमेरिका से चाइना के विवाद चल रहे थे, इसीलिए वो उसमें भी बिजी था और 1965 के वॉर में पाकिस्तान की क्या नहीं कर पाया, चाइना मदद नहीं कर पाया और पाकिस्तान उस युद्ध में हार जाता है। उस युद्ध में क्या, पाकिस्तान सभी युद्ध में हमसे हारा है। इसके बाद हम देखते हैं 1971 में चाइना जो है फिर से अपनी नाकाम कोशिश करता है और पाकिस्तान भी नाकाम कोशिश करता है। पाकिस्तान से हमारा बांग्लादेश निर्माण को लेकर युद्ध हुआ, इसमें भी पाकिस्तान ने काफ़ी होप लगाई थी कि चाइना उसकी मदद करेगा, बट यहाँ पर देखते हैं कि भाई इंडिया ने उस समय थोड़ी चतुराई दिखाई, ठंड के मौसम में क्या किया, पाकिस्तान से लड़ाई करी, पाकिस्तान को युद्ध में हराया ताकि हिमालय का जो पूरा पोर्शन था उस पोर्शन पर चाइना आ ना सके और भारत से वो युद्ध ना कर सके। और इसी के साथ हम देखते हैं आगे चल के थोड़े संबंध सुधरने के प्रयास होते हैं इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में। कब, 1970 के बाद से क्या है कि एक उनके विदेश सचिव थे जिनका नाम था K.R. नारायणन, ये थे जो विदेशी राजदूत चाइना में नियुक्त किए गए। इसके बाद में मोरारजी देसाई है, 1979 में खुद चाइना जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भारत का प्रधानमंत्री जो है वो चाइना यात्रा के पे गया। इसके बाद में 1988 में क्या हुआ, राजीव गांधी ने भी ऐतिहासिक चाइना की यात्रा करी और इसके बाद में दोनों देशों के बीच में व्यापारिक जो बात थी वो स्टार्ट हो गई। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि अक्टूबर 1989 में जो चीन के उप प्रधानमंत्री है जिनका नाम था वे जेक युआन, ये और दिसंबर में चीन के जो प्रधानमंत्री थी ली फंग, ये भारत की यात्रा करी थी इन्होंने। और इसके बाद में भारत और चीन का अगर हम घटनाक्रम की बात करते हैं तो भाई 1993 में नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री, ये फिर चीन की यात्रा करते हैं और दोनों के बीच में क्या है, व्यापारिक समझौते हुए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो LAC, इसको लेकर भी समझौता हुआ था कि दोनों अपने बीच में शांति बनाए रखेंगे। और 1996 में जो चाइना के जो राष्ट्रपति है जिनका नाम था जियांग जेमिन, ये भारत यात्रा पे आए थे, चार समझौते हुए थे और इसके बाद में जो भी देश के बीच में विवाद था दोनों वो उसे बातचीत से सुलझाएंगे, ऐसी बातें कही गई थी। इसके बाद में आप देखेंगे 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, इसके बाद दोनों देशों के संबंध फिर से खटास आ गए और इस समय देखेंगे रक्षा मंत्री जो है जॉर्ज फर्नांडिस का कहना था कि भाई चीन भारत के लिए आगे समय में खतरा हो सकता है। और 2002 में क्या है, चीन के प्रधानमंत्री जू रोगी और उन्होंने भारत की यात्रा करी, इसके बाद में ये साबित हो गया कि चाइना से भारत को कोई खतरा नहीं है। और इसी तरीके से दोनों के बीच में आर्थिक पक्ष में जो सहयोग है वो बढ़ जाता है। इसके बाद में 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस, इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों चाइना की यात्रा करते हैं और दोनों की जो रिलेशन है वो सुधरते हैं। इसके बाद परंतु लेकिन वर्तमान समय में देखिए हम तो बहुत सारे विवाद है, जैसे LAC की घटना होना या फिर डोकलाम विवाद या फिर और भी ऐसे हरकतें जो चाइना बार बार ही विवाद की कोशिश करता है, तो भारत और चाइना के बीच में संबंध जो है इसी वजह से उतार चढ़ाव के रहते हैं। चाइना कई बार अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है लेकिन भारत अपनी आदर्शवादी सोच और अपनी शांतिप्रिय नीति के कारण युद्ध जैसी नीतियाँ नहीं चाहता। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई भारत को भी आगे आने वाले समय में अपनी ताकत को बढ़ाना होगा ताकि चाइना की विस्तारवादी जो नीति है इस पर अंकुश लगाया जा सके। आई होप गाइस आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिली होगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। चले गाइस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।